सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि पता है कि अभी जस्ट जस्ट ग्रेड सेकंड इंग्लिश का रिजल्ट जारी हुआ है। प्रोविजनल सूची जो है उसमें जिन साथियों का नाम आया है, नंबर आया है, उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाइयां, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि अपन सोच रहे थे, जैसे हमें उम्मीद थी कि अपन बहुत अच्छा परिणाम देंगे, तो इस बार हमने बहुत 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 अच्छा रिजल्ट हमारा मिला है। जब अभी जब से रिजल्ट आया तब से हमारा फोन जो है वो लगातार उसकी रिंग चलती जा रही है, और ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रकार से हम जो है इतना अच्छा परिणाम देने में सफल रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस सफलता की, इस रिजल्ट की जो सफलता है, इसमें मेरा और हमारे संस्था का योगदान जो है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों का योगदान भी रहा होगा। हमने बहुत मेहनत की कि आपको सब चीज़ें आप तक पहुँचा पाएँ, और आपने भी उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत, उतनी ताकत के साथ अपने आप को हिम्मत जुटा के मेहनत की और मेहनत करके इसमें सिलेक्शन लिया है। ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे बच्चे निराश हुए होंगे कि उनका ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब वो बहुत खुश हैं जिनका ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन हो गया। तो जिन बच्चों का बाय चांस सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए भी मेरा संदेश है, पर उनका संदेश मैं अभी बाद में दूंगा। लेकिन अभी पहले उन बच्चों को बधाइयां जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपने अपनी जो मेहनत और सफलता से, जो मेहनत के साथ जो आपने सफलता प्राप्त की है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और आप इस चीज़ को इंजॉय कीजिएगा। और ये अभी प्रोविजनल लिस्ट में चयन हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का फाइनल सूची में भी चयन होगा, तथा आंसर सिलेक्शन लेके आप हमें जरूर इससे अवगत करवाइएगा। साथ ही एक मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अपने कोचिंग वाले नंबर पे अपना नाम जरूर बताइएगा कि किस किस का सिलेक्शन हुआ, ताकि हम एक्चुअल टेली जो है संख्या बता सकें कितनी है, एग्जैक्ट आइडिया दे सकें। अभी हम एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं दे सकते कि संख्या कितना सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये तय है कि सिलेक्शन जो है बहुत सारे बच्चों को हुआ है, और अभी एक दो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। प्रोविजनल सूची में इतने बच्चों का चयन होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं इस बात में गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो इतनी मेहनत हमने की उसमें आपने भी अपनी मेहनत की, और इस अग्निकुंड में जो आप सब दोनों की मेहनत मिक्स हुई उसके बाद ये जो यज्ञ की ज्वाला जो प्रज्वलित हुई है, इस सब में आप सब का जो योगदान रहा उसको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप सिलेक्शन से चूक गए होंगे, लेकिन बहुत ही जल्द, अति शीघ्र वैकेंसी आने वाली है ग्रेड वन की और ग्रेड सेकेंड की। तो बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, दोबारा हिम्मत करके पूरी मेहनत के साथ वापस से तैयारी में जुट जाइए, और देखिएगा कि कहां हमसे गलती हुई है, उन गलतियों को सुधार करते हुए दोबारा सिलेक्शन की तरफ जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन, आपने कोचिंग ले ली है, क्लास ले ली है, तो घर बैठ के आराम से आप दोबारा चीज़ों को रिवाइज किए, दुरुस्त करो, रिवाइज करो, ताकि आपका सिलेक्शन अगली बार 100% आपका सिलेक्शन हो सके। अगर आपने कोचिंग नहीं की है, आपने कहीं क्लास अटेंड नहीं की है, तो तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए हुए वापस अपनी तैयारी के अंदर जुड़ जाइए। जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी क्लास, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, कहीं भी आप जुड़ें और अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट करें। बिल्कुल भी कतई निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने इस साल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन पिछले 5-5 साल से कहीं भी नहीं हो रहा था, और अभी ऐसे बच्चों ने ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के जो है तीनों एग्जामों में सिलेक्शन लिया है। ऐसे बच्चों की सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और उन बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगी कैसे 5-5 साल, 4-4 साल हर परीक्षा में असफल होने के बाद अब ऐसा धमाका किया है कि तीनों प्रकार के ग्रेड के एग्जाम में उन्होंने सिलेक्शन लिया है। इसलिए हो सकता है कि अगली बार आपका जो नाम है, आपका जो नंबर है, वो भी तीनों ग्रेड में सिलेक्शन हो। इसलिए हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, दोबारा हिम्मत के साथ जुट जाइए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। एक बार फिर से पुनः उन सबको बहुत बहुत बधाई जिनका चयन सूची में नंबर आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर आपका आएगा, और उन विद्यार्थियों को मेरा संदेश यह है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कि आप दोबारा से अपनी तैयारी में जुट जाइए। अंत में फिर से आपको बधाई, और साथ में एक बात फिर दोहरा कि जो भी स्टूडेंट जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, कोचिंग का नंबर जो है अभी फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सब लोगों को यहाँ मंच पे लाके कई बार आपसे कुछ इंस्पिरेशन स्पीच दिलाया जा सके, और आप जो बच्चे असफल हो गए उनको ये पता लगे कि उनसे कहाँ गलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयां।